केयर इंडिया संस्था ने महिला प्लस पानी परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से भारत और अन्य देशों से लाए प्रतिनिधिमंडल ने बात की, जिसमें उन्होंने फ्रेश प्रशिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 5 जिलों में फ्रेश प्रशिक्षण के माध्यम से 2,00,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सीहोर जिला भी शामिल है। 5 वर्ष से संस्था सीहोर जिले के गांवों में काम कर रही है और लगातार ये काम जारी है। बता दें सीहोर जिला भी इसमें शामिल है और जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण महिलाओं से विदेशी दल ने मिलकर जल संरक्षण के साथ ग्रामीण परिवेश के अनुभव को साझा करने के लिए केयर इंडिया संस्थान ने एक बैठक का आयोजन किया। प्रेस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के जीवन कौशल और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देने, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए प्रतिनिधि मंडल ने जाने की किस प्रकार से महिलाएं केयर इंडिया के फ्रेश प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव ला रही है। ये 5 जिले में हमारा अभी जो काम चल रहा है उसमें सीहोर भी इंक्लूड है। हम ग्राम स्तर पर महिलाओं के साथ में काम करते हैं और मेन उद्देश्य ये है कि महिलाओं की क्षमता वृद्धि हो, उनमें आत्मविश्वास आए, इसके लिए हम उनको 6 महीने का प्रशिक्षण देते हैं। इसमें एक मॉड्यूल है, बेस का नाम है उसका, जो गैप इन करके संस्था है उसने ये मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो ये 6 महीने का प्रशिक्षण हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को उनके घर में उनके गाँव में देते हैं ताकि वो लोग नई चीजों को सीखें। इन मॉड्यूल में हम लोग जिन बातों पर फोकस रखते हैं, पहला है संवाद के ऊपर, संचार के ऊपर कि आपस में कैसे बात करना चाहिए, समाज में कैसे बात करना चाहिए।